हेलो दोस्तों, सो कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंचकुला के बहुत ही फेमस मनसा देवी टेम्पल के बारे में। तो मंदिर तक पहुँचते पहुँचते आपको बता देता हूँ इस मंदिर के बारे में। मनसा देवी मंदिर बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भक्त अपनी मुरादें लेके बहुत दूर दूर से देवी के पास आते हैं। माता मनसा देवी मंदिर 150 साल से भी पुराना मंदिर है। ये मंदिर हरियाणा की एक सिटी पंचकुला में स्थित है, जो कि मोहाली और चंडीगढ़ के बहुत पास है। माता मनसा देवी का ये मंदिर बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। माना जाता है अगर भक्त यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना ना भी कहें तो माता मनसा देवी उनकी मनोकामना पूरी कर देती है। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। यहाँ संगत माता से अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर एक मुराद पूरी होती है। माता मनसा देवी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना और शक्ति पीठों का है। माता मनसा देवी के सिद्ध शक्ति पीठ पर बने मंदिर का निर्माण मनी माजरा के राजा भोपाल सिंह ने अपनी मुराद पूरी होने पर करवाया था, और इस मंदिर के निर्माण में 4 साल लगे थे। मंदिर के निर्माण में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही माता की मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर के आगे 3 पिंडियां हैं जिन्हें माता जी का ही रूप माना जाता है, और ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी और सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती हैं। और अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ 3 किलोमीटर लंबी गुफा की। मनसा देवी का मंदिर पहले माँ सती देवी मंदिर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि जिस जगह पर आज माता मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ पर सती माता के मस्तक के आगे का हिस्सा गिरा था। मनी माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनवाई थी, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। वो रोज इसी गुफा से माँ सती के दर्शन के लिए अपनी रानी के साथ जाते थे, और जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे तब तक मंदिर के गेट नहीं खुलते थे। तो ये थी माता मनसा देवी के इतिहास की कुछ जानकारी। तो चलो अभी चलते हैं और दर्शन करते हैं मंदिर के। ये था माता मनसा देवी का सारा दर्शन जो आपने अभी किया मेरे साथ। तो मैंने आपको दिखाया अपना दर्शन करवाए माता के, तो कैसा लगा आपको दर्शन करके बताना कमेंट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टिल देन सबको बाय बाय, और कमेंट करके जाना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक का बटन दबा दो। Bye-bye. Like you lost the number one.